डीटीसी और क्लस्टर बसों में महिलाओं के फ्री सफ़र प्रस्ताव को गुरुवार को दिल्ली कैबिनेट से मंजूरी मिल गई। 29 अक्टूबर से ये फ्री राइड की योजना शुरू हो जाएगी। दिल्ली कैबिनेट ने गुरुवार को डीटीसी और क्लस्टर बसों में महिलाओं के फ्री सफर को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया। इस फैसले के बाद अब भैया दूज के दिन 29 अक्टूबर से ये फ्री राइड की योजना शुरू हो जाएगी। महिलाओं को बस में फ्री सफर के दौरान सिंगल जर्नी बस पास जारी किया जाएगा। गुलाबी रंग की इस टोकन की कीमत 10 रुपए होगी और इसका खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी। इससे पहले सोमवार को दिल्ली विधानसभा ने परिवहन क्षेत्र के लिए 479 करोड़ रुपए के अतिरिक्त अनुदान को मंजूरी दी थी, जिसमें डीटीसी और क्लस्टर बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त सफर के लिए 140 करोड़ रुपए दिए गए थे। इन 140 करोड़ रुपए में से डीटीसी बसों के लिए 90 करोड़ और क्लस्टर बसों के लिए 50 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसके अलावा मेट्रो में भी महिलाओं के फ्री सफर के लिए 150 करोड़ रुपए दिए गए हैं। विपक्षी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस दिल्ली सरकार की इस फ्री योजना को विधानसभा चुनाव जोड़ रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वतंत्रता दिवस पर डीटीसी और क्लस्टर बसों में महिलाओं को फ्री यात्रा योजना का ऐलान किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।